सब उम्मीद है आप लोग बिल्कुल फिट हो गए, हैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। सो या गाइस वी आर बैक विद न्यू अमेजिंग रमजान व्लॉग। यस सो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं दोबारा से सेकंड सहरी का व्लॉग लेके। सो गाइस आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट सहरी का व्लॉग, फर्स्ट इफ्तारी का व्लॉग, जो कि हम लोगों ने बहुत मेहनत और बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाया था। जिसने नहीं देखा तो जाओ जल्दी से देखो। और कमेंट्स आप लोगों को मैंने पढ़े थे, थैंक यू सो मच जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। मैंने सबको रिप्लाई भी किया और लाइक भी किया, और किसी का रह गया हो तो थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस आप लोग बताते हैं आज हम लोग आ चुके हैं सेकंड सहरी के व्लॉग के साथ। और सारा भी सोई हुई है, सारा ने जस्ट पहला रोजा रखा है और कहती मामा मामा मुझे ना उठाना, मैंने रोजा नहीं रखा, मामा होगा मामा रोजा नहीं रखना। सोच जो भी है माशाल्लाह छोटी है लेकिन फिर भी उसने हाँ बोल दो। तो गाइस मामा ने आज ना कीमा एंड सॉरी गाइस हम इग्नोर करना, हम एक सहरी और इफ्तारी के बाद मोटे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है ये भी कह रही है कि आप लोग वो लग रहे थोड़ी सी। चलो जो भी है गाइस माशाल्लाह कोई बात नहीं कभी, लेकिन आप लेकिन जब आप लोग मोटे हो जाते हैं फिर मोटा तो बहुत इजीली बंदा हो जाता है यार, खाई दो लेकिन पतला बहुत मुश्किल है। चलो जो भी है हम लोग चलते हैं किचन की तरफ क्योंकि मामा हो गई थोड़ा सा गुस्सा, मामा का हाइपर हो गया है, यहाँ से धुएं निकल रहे हैं। हम लोग जाते हैं किचन में और जल्दी से अपना सहरी का नाश्ता जल्दी से अपनी सहरी पकड़ते हैं और आते हैं बाहर डाइनिंग टेबल पर और खाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो गाइस चलते हैं। इससे पहले मामा खुद ही आ गए, मामा ने कीमा बनाया तो सबसे वेट कर रही थी कि ये बनाएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। गाइस मैं सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ ताकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, साइड से 2 घंटे सो के उठ गई हूँ। और यस कल कम ऑन आ जाओ। हम लोग आ गए हैं जी किचन और कोई भी नहीं गाइस, और कीमा लेके बाहर जाते हैं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी मामा जान ने कितने मजे का कीमा बनाया है। और मामा ने अपने लिए सब्जी बनाई है आलू शलजम चिकन। आपने भी इधर ब्लैक विनिंग कर दी। और गाइस ये कीमा है मामा बना के चली गई, लेकिन मामा ने रोटी बना ली है पराठे में मामा को बुलाओ। गाइस आप लोग देख सकते हो सहरी के लिए भी टेबल सही सेट कर लिया हुआ है, सही अरेंज कर लिया हुआ है। अब बस पराठे बनने वाले हैं और उसके बाद हम लोग जल्दी से खाते हैं। कितना टाइम रह गया? क्या वही थोड़ा सा टाइम रह गया, 4 बजे कह रही है। रुको अभी बताते हैं। वो शीट अच्छा मैंने भी देखी। लेके आ गए योगर्ट, मामा जल्दी लेके आए, भूख लगी है। और वैसे मिट्टू भी उठोते हैं, इन्हें सहरी करनी है अभी और फिर दोनों सो जाएंगे, है ना मिट्टू? चिंटू मिंटू कैसे सुनते हैं दोनों, कैसे कान लगा के सुनते हैं। गाइस मैं लस्सी बनाने गई है तो उसने भी हराब करनी है, तो आज हम लोग उठ जाते हैं किचन में और इनकी थोड़ी हेल्प करते हैं क्योंकि लस्सी होनी चाहिए ठंडी। लस्सी में 2 चीज़ें होनी चाहिए, ठंडी हो और सही मीठी हो, लेकिन इनको नहीं आती बनाने। मैं उठ जाकर ना इनकी हेल्प करती हूँ। तुम भी छोटे मैम का मामा करना क्या है, कल भी इनने बनाई थी तो मीठी भी नहीं थी और ठंडी भी नहीं थी, आज मीठी भी डाली है ना और बर्फ है आज। बेटा अंदर जा काम करो तो इधर आके बैठ गई आराम से लस्सी, और वो लस्सी बनाना तो और कुछ नहीं बनाना तुमने। गाइस यहाँ पे फिर आ गई लस्सी, कितनी ज्यादा लस्सी नहीं सारी खुद पिएगी, नहीं अंदर बर्फ है बेसिकली। और मैंने बनाया बहुत मजे का कीमा। इतना क्या कर रही है? और ये रहा कीमा, अभी तो ठंडी भी नहीं थी। So guys यहाँ पे पिज़्ज़ा टूर, ये क्या है? ये आलू शिमला चिकन अपनी साइड पे रखो बेटा, खोल लो सॉरी। ये लीजिए तुम खाना आज। ये रहा आलू शिमला रोटी, एग फ्राई करेंगे तो फिर बनेगा। मैंने कहा आलू शिमला रोटी और फिर हम लोग खाएंगे, ठीक है? इसलिए जल्दी क्यों नहीं कर दिया। 1 घंटा भी बाकी है, या हो हम तो मौज करेंगे। अभी 1 घंटा बाकी है, लोग कह रहे हैं अभी 1 घंटा है, लेकिन जल्दी बनाओ फिर भी। गाइस सब कुछ तो आ गया, लेकिन जिसके साथ हम लोगों ने खाना है हमारे पराठे ही नहीं आए और साथ फ्राई एग्स और सारा उठ गई है। हाय सारा, सारा आज इसी तरह ज़रा कैजुअल लुक में बैठी हुई है। चीनी बनाई है। ये क्या चीनी बनाई है। ओह यहाँ हमारे एग बन रहे हैं। मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाले फिर ज़्यादा मज़े का बनता है। फ्राई हो रहा था ना वो, हम ना ब्लॉगर है ना, तो ब्लॉगर को सब कुछ चलता है। नहीं तो नहीं रहने थे, नहीं तो किसी को होता। और यहाँ पराठे बन रहे हैं। तो गाइस यहाँ इन सब लोगों ने स्टडी स्टार्ट कर दिया और वो इतना बोल रहे हैं क्या मैं टिंटू वो देखो उधर झूले में बैठ के झूले ले रहा है, मस्ती मौज में है। तो यहाँ एक भी आ गया हमारे पास। अब इन सब ने खाना स्टार्ट कर दिया। मुझे भी डाल दो ये कीमा। कीमा कीमा खाओ, कीमा सुबह खाना चाहिए। कीमा खाओ जान बना, कीमा खाओ जान बना। नहीं सुबह जो है ना गोश्त वगैरह खाया वरना सारा दिन भूख नहीं लगती फिर। ओह हां वाओ। ये गाइस आपको ना पराठा पराठा किधर है, बड़ा छोटा जो मिले कीमा खा लिया करो, फिर ताकत रहेगी, सारा दिन भूख नहीं लगेगी। और साथ लस्सी पी लो, लस्सी पी लो 2 गिलास। चलिए पराठा ले आई हैं, हम लोग खाते हैं। चलिए ना यस ये लोग खा लो साड़ी में, आपने ज़्यादा रोज़ा रखना है। वो इतनी मक्खन की स्मेल आई है, मक्खन मक्खन वो होती है मक्खन। ले बस स्पून नज़पीने सही करते हैं, उसके बाद आप लोग उसमें मिलते हैं। इस हम लोगों ने सहरी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अलीजा आगे बैठ गई है। और नहीं बताओ आप लोग सहरी के बाद मोबाइल क्यों पकड़ लेते हो? उठ के नमाज पढ़ो। ओए टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म। और गैस अभी मामा ने यहाँ से बिल्कुल ही क्लीन कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया। और अब हम लोग एक मिनट को यार, अब हम लोग वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ सोया जाए कि ना सोया जाए, क्योंकि मैंने 12 बजे जाना है कॉलेज। तो मामा कह रही हैं कि नमाज़ पढ़ के तो सो जाना तुम। यस और 2:30 पे ऑफ हो जाएगा। मामा कह रही है तुम सो जाओ, थोड़ी नींद पूरी करो तो फिर चल देना कॉलेज। और दीदी को बहुत ज़्यादा नींद आई हुई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और गाइस आप लोग बताओ कि आप लोगों की इफ्तारी सहरी रमज़ान आप लोगों का कैसा जा रहा है, कैसा गुजर रहा है, सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक दफ़ा हम लोग बालकनी से भी घूम फिर आते हैं कि बाहर कैसे हैं। इतनी सफाई मेरी मामा जानने की, हम तो वेले हैं, मामा ने कहा था ये को खाने हो रही हैं। और मौसम ठंडा नहीं है आज, गरम 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 मतलब ओके है, बस लाइक गर्मियाँ बहुत करीब है। मामा भाई पानी पी सकते हैं, अजान हो रही है, पानी पी सकते हैं। पानी पी लो भाई, पानी पी लो, पानी पी लो जल्दी 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 जल्दी। 1 गिलास हम जल्दी से पानी पी। और भाई आप कैसे हो, क्या हाल चाल है? अपने भाई से बात करी यार, हम भाई के बगैर सहरी और इफ्तारी अधूरी है। लेकिन यस भाई के साथ अलग मज़ा होता था। सो यस हम लोग जाके नमाज पढ़ते हैं। फैन भी ऑफ कर दे मम्मी। ओके सो गाइस यही था हमारा आज का व्लॉग, सेकंड सहरी का व्लॉग। एंड होप सो यू गाइस वॉच इट, अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अभी नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद अभी आंटी आई थी, आंटी सफाई वगैरह के जा चुकी है। मैं आप लोगों को जाकर ना एक दफ़ा बाहर का सीन भी दिखा देती हूँ। अभी देख सकते हो आप लोग इतनी खामोशी है। मैं आप तो उनकी सफाई करके जा चुकी हैं और मुझे अभी से रोज़ा लगने लग गया, 8 बज गए तकरीबन। और ये देख सकते हो आप लोग आज का बहुत ही मज़े का वेदर, ठंडा ठंडा वेदर, कुछ इस तरह का सीन बना हुआ है। सो यस और मैंने जाना है अभी 12 बजे कॉलेज, तो इसलिए मैं अभी सोने लगी हूँ और मैं उठूँगी 12 बजे के करीब। और इधर ही सारा मैडम अपनी कोई वीडियो शूट कर रही है, क्या फोन से कोई वीडियो शूट नहीं कर रही। और तो बस यही सीन है। सो ये हम अपनी सहरी का ब्लॉग एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों को सेकंड अफ्तार के साथ। और आप लोग कमेंट्स करना, VIP कमेंट्स करना, हमें कोई रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हो आप लोग कुछ भी, तो इस वीडियो को नीचे ज़रूर करना। इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करेंगे। और कैसे लग रहा है आप लोगों को व्लॉग्स, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट एक अमेजिंग से व्लॉग के साथ। सो यस, स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।